पता है कि तेरे तेरे साथ क्या हुआ है, जो भी हुआ है वो सब वीडियो पड़ी हुई है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। महादेव, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि विशाल सिंह और विवेक सिंह को जो झगड़ा का खत्म होने के बाद विशाल सिंह आज इंस्टाग्राम आईडी से पवन सिंह के साथ में एक वीडियो पोस्ट करते हैं, ये आप लोग देखिए। आप लोगों ने देखा किस तरह से विशाल सिंह और पवन सिंह जिम से वीडियो लॉन्च किए हैं, क्योंकि वहीं लग रहा है कि मेरे को पावर स्टार पवन सिंह के उस पे हाथ है और ज़्यादा हाथ है, क्योंकि विशाल सिंह भी कहीं से कहीं उसका भी बैकग्राउंड टाइट होगा, इसलिए किसी को गाली दे देते हैं या किसी को कुछ भी कर देते हैं। क्योंकि वहीं पे विवेक सिंह माफ़ी भी मांग लिए, माफ़ी नहीं मांगना चाहिए विवेक सिंह को, क्योंकि वो भी बड़े स्टार और बड़े ट्रेंडिंग स्टार का एक मैनेजर है, मैनेजर हो के ऐसा हरकत करते हैं तो किसी को बुरा लग सकता है। तो मैनेजर ऐसा नहीं करना चाहिए विवेक भैया, क्योंकि आपका भी इज्जत है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, आपका आपके सामने विशाल सिंह के कोई औकात नहीं, क्योंकि विशाल सिंह जो भी है वो लंजू पंजू है, पवन सिंह के चमचे हैं, मगर आप तो मैनेजर है भोजपुरी इंडस्ट्री के, मगर आप उनसे माफ़ी मांग ली है, ये बहुत दुख की बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात है, खेसारी लाल यादव जी का फैंस की बुरी की बात है, बुरा बात है, क्योंकि आप ऐसा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि विवेक सिंह ऐसी एक कॉल रिकॉर्डिंग में 3 मिनट के लिए जो गाली सिंह का 14 मिनट का रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जो काफ़ी उसमें गाली बहस वहस हो रहे थे, विवेक सिंह दे रहे थे, मगर विशाल सिंह दे रहे थे सॉरी विवेक सिंह भी दिए और विशाल भी सिंह भी दिए, तो आप लोगों को कैसा कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में गाला गलौजी होता रहता है तो कहीं से अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए भैया, आप लोगों को अच्छा लगता हो या खराब लगता हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।